भूपेंद्र सिंह यादव आज अलवर दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर आनंदी, आईजी एस सेंगाथिर, अलवर एसपी तेजस्विनी और भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी शामिल हुए। इस मौके पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने। पुलिस के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र यादव अलवर आए हैं, पुलिस की संपर्क सभा के आयोजन में भाग लेंगे, कांस्टेबल से बात करेंगे। एक लंबा अनुभव इनका रहा है, पहले भी एक बार अलवर में ऐसा कर चुके हैं। सर, पहले तो क्या है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो पहले भी आई थी और बहुत सारी चीज़ें आपने जो बात निकल के आई कांस्टेबल से तो ठीक की थी? ये तो एक सतत प्रक्रिया है, एक एक डायलॉग है, एक बातचीत है। पुलिस प्रमुख के नाते अपने अधिकारियों से, अपने साथियों से बातचीत करते रहना। कुछ समस्याएं जन सामान्य की समस्याएं हैं, उनको साथ मिलकर कैसे बेहतर डील कर सकते हैं। कुछ अपने पर्सनल की, अपने कर्मचारियों की, अपने अधिकारियों की, साथियों की समस्याएं हैं, उनको पुलिस मुख्यालय या पुलिस चीफ के तौर पे आप कैसे एड्रेस कर सकते हो, उन सब पे चर्चा होती। सर, लंबा आपका काम भी हो गया, ट्रेनिंग में आप रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि पुलिस में ये और सुधार होने चाहिए थे जो अभी कहीं नहीं कर पाए हैं, छूट गए हैं? सुधार देखिए सतत प्रक्रिया है, सुधार से कभी या विकास से कभी संतुष्ट आप हो नहीं सकते, चाहे व्यक्ति हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और बहुत से पक्ष होते हैं जो अच्छा हो पाते हैं, कुछ उतना नहीं हो पाते, तो उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि नाप तोल के बता दें कि इतना हो जाता तो ठीक था, उतना होता तो ठीक था। लीडर्स हैं, आते हैं, बदलते रहते हैं, जाते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। तो ऐसा नहीं है कि कोई सडनली एक लीडर आता है, एक डीजी आता है तो एक ब्रेक हो जाता है, फिर दूसरा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में होता है सारा। ये नहीं है तो पहले मैंने भी आया था, पहले में भी आए थे, और उसके बाद बीच में जब आप देखिए कोविड मार्च में जब कोविड शुरू हुआ तब भी पूरे राजस्थान में गया था, ऐसा नहीं। सर, एक और हुआ है कि आपने कई सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं निचले स्तर पे, कुछ लोगों को घर भेज दिया है, आपको लगा कि संतोषजनक उनकी नौकरी जो है विभाग के प्रति अच्छी नहीं है, घर भेजा गया, क्या दिक्कत है? कांस्टेबल स्तर पे दिक्कत है, ऊपर कुछ ठीक होता है और छवि जो बनाता है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की? 1 लाख लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 1 लाख लोगों में से बहुत से लोग जो शानदार काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलतियाँ भी करते हैं, गंभीर गलतियाँ भी कर देते हैं। तो ये जब बड़ा परिवार होता है उसमें सब तरह की चीज़ें होती हैं, जो गलती करते हैं वो दंडित कर दिए जाते हैं, जो अच्छा करते हैं पुरस्कृत हो जाते हैं। उससे ऐसा नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की छवि उससे बिगड़ती है, सुधरती है, ये अंदर छंटनी और सफाई की प्रक्रिया जारी रहती है। जिन लोगों को हम सजा देते हैं वो लोग भी ऐसा नहीं कि वो आरंभ से ही ख़राब थे। मेरा ये मानना है कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, पर किन्हीं कारणों से, गलत संपर्क में आने से, गलत रास्ते पर चलने से, कुछ गंभीर गलतियां कर बैठते हैं तो दंडित भी करना होता है। ताकि एक सवाल और कि बॉर्डर के इलाका है ये, अलवर भी है, मतलब जयपुर इंदपुर इधर बॉर्डर लगता है, दूसरे राज्यों से बॉर्डर राजस्थान का लगता है, पपला यहाँ से फरार हुआ, तो एक बात हुई थी कि बॉर्डर के जो थाने हैं उन्हें एनरिच किया जाएगा, हथियार जो हैं वो आधुनिक दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब भी उतनी जो सोचा था या कहा गया था वो नहीं हो पाया, इवन पपला भी नहीं आ पाया। देखो, हथियार की कमी नहीं है पुलिस के पास, थानों पर जब सीमावर्ती थाने हैं तो हथियारों की कमी नहीं है, हथियारों के इस्तेमाल करने के प्रशिक्षण और उनके कैपेसिटी की बात है। पिछले साल में आप देखिए जहाँ जहाँ भी ऐसे अफसर आए हैं पुलिस ने बराबर मुकाबला किया है, बराबर जवाब दिया है, डोमिनेट किया है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में, ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एक तरफा लोग हावी हो गए हों। पपला एक अपराधी है, उसको एक अंग इतना बड़ा भी मत बनाए आपके भाई, वो बहुत एक प्रक्रिया होती है, उनके ग्रुप में से एक बड़ा ग्रुप था, उसमें 40-50 लोग अरेस्ट हो गए, एक दो लोग जो बचे हुए हो जाएंगे वो भी, जब तक व्यक्ति छुपा रहता है तो भी ठीक है। कोई ऐसी योजना है कि बॉर्डर पे कोई चौकियां बढ़ाने का? ये रिओर्गनाइजेशन चलता रहता है, कुछ बढ़ी हैं, कुछ और कालांतर में बढ़ेंगी आगे जो जो योजना है, लेकिन प्राथमिकताएं होती हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों की भी। तो SOG की इकाइयाँ बढ़ी हैं अभी, एक आपके अलवर के क्षेत्र में, एक चूरू ज़िले में, और 2 मोबाइल यूनिट अभी और सेंक्शन हुई है, उनका ज़्यादा फोकस हमारे बॉर्डर एरियाज़ पर ही है। तो SOG का सुदृढ़ीकरण किया गया है, कुछ थाने या चौकियाँ नहीं बनी हैं और आगे और नहीं बनेंगे। विभाग में सुधार करना एक निरंतर प्रक्रिया है और DGP कहते हैं कि ये कोशिश हो रही है कि
पुलिस में सुधार किए जाएं, री ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अलवर में, चूरू में SOG की इकाइयां बढ़ी हैं, मोबाइल यूनिट जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और उम्मीद है कि और आगे कुछ और सुधार होंगे। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि विभाग में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, वो दंडित होते हैं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।